वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज लेकव्यू गोट फार्म पर फिर से एक वीडियो यहाँ की बतला रहा हूँ मैं, और आज यहाँ के दो पार्ट आने वाले हैं जिसमें क्या क्या अवेलेबल है वो सारी डिटेल हम यहाँ के ओनर से बात करेंगे, और स्पेशली बेस्ट पलाई फार्म अवेलेबल है आप लोगों के लिए। यानी कोई भी अगर कहीं से भी बकरियाँ या बकरे ले रहे हैं तो आप पलाई पर ला सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल हम बात करेंगे यहाँ के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमर भाई। कैसे हैं इमरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई, लेकव्यू गोट फार्म कहाँ पर लोकेटेड है? ये पहाड़ी शरीफ उमर कॉलोनी मामड़पल्ली रोड पे है। ओके। और चार मीनार मस्जिद यहाँ का मशहूर लोकेशन है। चार मीनार मस्जिद यहाँ पर बनी हुई? हाँ, ये चार मीनार नहीं है, चार मीनार मस्जिद मस्जिद है, मस्जिद है जिसके बड़े बड़े चार मीनार है, इसीलिए उसको चार मीनार नाम रखा गया। जी ठीक है। तो आपके पास अभी दो पार्ट आने वाले हैं जिसमें क्या क्या अवेलेबल है आपको? अभी इस पार्ट में फर्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मेंढे बताएंगे। ओके। बहुत अच्छी क्वालिटी के मेंढे हैं, विलायती है और मदुरई है जी। और दूसरी जो वीडियो आने वाली है उसमें बकरे, उसमें मैं बकरे और फीमेल्स बताऊंगा। फीमेल्स की काफी सिर्फ शीप्स रहेंगे, इसमें सिर्फ शीप्स रहेंगे। सबसे पहले ये विलायती है माशाल्लाह जी, काला है, थोड़े व्हाइट पैचेस भी है इसको, पूरा कबरा भी नहीं बोल सकते इसको, कबरे में व्हाइटनेस जो है। छः दांत का मेंढा है ये, छः दांत पे जी हाँ। 86 kg इसका लाइव वेट है, 85 कंसीडर कर सकते हैं अपन। माशाल्लाह, दांत बतलाइए। वैक्सीनेटेड है? अच्छा, वैक्सीनेटेड भी है। हाँ, PPR। वैक्सीन से बतला दूं आप लोगों को, अक्रम डेयरी फार्म पेट्स क्लिनिक पर आने वाले सैटरडे ईटी और टीटी ये दोनों मिलने वाला है सैटरडे के दिन। सिर्फ 50 rupees चार्ज रहेगा। वैक्सीन, डोज, सिरिंज ये सब कम्प्लीटली आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे क्लिनिक की तरफ से। सुल्तानशाही में लोकेटेड है, वहाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। और डेली भी कोई भी बीमारी हो आप लोगों के जानवरों की, यानी बकरियां अगर हीट में नहीं आ रही, या बच्चे का प्रॉब्लम हो, या फिर दर्द हो, बुखार, PPR, हर चीज़ का इंशाल्लाह इलाज अल्लाह चाहा तो हो जाएगा। आप लोग विजिट कर सकते हैं डेली 4 बजे से 8 बजे तक। इसके दांत एक बार बतलाइए। ये 6 दांत का मेंढा है जी। दांत नहीं दिख रही, 8 शुरू करा के? नहीं नहीं, 6 पूरे नहीं हुए, 8 लगाया अभी, 8वां। 8 दिख रहा ना फ्रेश? अरे 8 कहाँ, वो 6 छः बारीक दांत है कोने का, 6 दांत पे है, बहुत टाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह 86 kg लाइव वेट है, वजन करेगा आपके पास है? ये मेरे पास मोर देन 1 मंथ हो गया, 1 महीने से आपके पास मोर देन 1 मंथ है जी। और 86 kg वजन करे सो अपन 85 कंसीडर कर ले सकते। क्या प्राइस है इसका? PPR डिवॉर्मिंग करेवा है माशाल्लाह। अच्छा, से माशाल्लाह। 55,000 आस्किंग है, नेगोशिएट करके दे देंगे। 55,000 आस्किंग प्राइस है, इसमें नेगोशिएबल कर देंगे। और बहुत बड़े लंगर का बकरा मेंढा है माशाल्लाह से। ये अगर 8 दांत तक आया तो कहाँ तक वेट लेके जा सकते इसका, यानी आने वाली ईद तक कहाँ तक जाएंगे? मेरे को बहुत अच्छी उम्मीद है इससे। देखिए, पालने के तरीके पे है, अपन तो पालते अच्छा। मैं कभी भी किसी भी कस्टमर को जो भी मेरे पास पलाई पे जानवर रखते हैं, उनका अक्सर ये सवाल रहता, उनका अक्सर ये सवाल रहता कि भाई ईद तक कितना वजन हो जाता। मैं बोला अल्लाह जितना चाहता उतना होता। सही बात है। आपके इख्तियार में क्या है पूछते? मेरे इख्तियार में अच्छा पालना करना है। बिल्कुल, तो अच्छा पालना मेरे इख्तियार में है, बाकी वजन कितना जाएगा वो अल्लाह की मर्जी। देखिए, मैं जो रिजल्ट बता रहा हूँ वो हमारी कामयाबी है जो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई है। बिल्कुल, मेहनत करना अपना काम, वो मेरा अपना पर्सनल कोई मामला नहीं है। मेरे पर्सनल मामले में सिर्फ अच्छा पालना, अच्छी डाइट देना, उनको बीमार नहीं होने देना, बीमार हुआ भी तो उसका अच्छा ट्रीटमेंट करना, ये मेरा असल मकसद है। देखिए, और भी बाकी जो वजन करना वो तो अल्लाह की मर्जी पे है। लेकिन अगर फिर भी लोगों जो है, 4 बार भी मैं ये सवाल करा तो 5वीं बार फिर वही सवाल दोहराते कि कितना जा सकता। नहीं, एक उम्मीद रहती है, इंशाल्लाह इन्हें 100+ आराम से कर लेता इंशाल्लाह, ये एक जुमला बोल सकता हूँ मैं। बिल्कुल, और वो भी बस अल्लाह चाहा तो। पले चार्जेस क्या है आपके पास? ये साइज के मेंढों का तो 3,000 रुपए है। 3,000 रुपए अबव 40 kg रहा तो मैं 3,000 रुपए लूंगा। 42-43 भी रहा तो कंसिडर कर लेता मैं, अब 50 के करीब करीब रहा तो कन्फर्म 3,000 रुपए लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो लीजिए। और 40 के नीचे जो रहते हैं उनको 2,500 रुपए। अच्छा, 40 के नीचे 2,500 के भी है? 2,500 रुपए। मदुरई है नेक्स्ट में आपके पास, यहाँ पर मदुरई है। मदुरई है, दो दांत सिस्टम है ना, ये खूटे है हमारे जी, उसको खींच लो। क्या डिटेल है इसकी? ये पूरा ब्लैक है, ये जेड ब्लैक है ये मदुरई में। मैं समझता हूँ इतने ब्लैक बटन कान में है माशाल्लाह जी, पूरा जेड ब्लैक है, पूरा जेड ब्लैक है, एक भी इसके ऊपर धब्बा नहीं है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। इसका वजन 35-40 kg लाइव वेट आएगा। 35-40 kg। क्या दे रहे हैं आप इसको? मकई। ये देखिए, दोपहर में गेहूं और मकई दे दिए हम जी।
माशाल्लाह। अब इसके बाद बत्तीसा पाउडर मिला के पानी देंगे थोड़ी देर के बाद। क्या प्राइस है इस मदुराई का? ये मदुराई मैं 25,000 आस्किंग है मेरा जी, और स्लाइटली नेगोशिएट करूंगा, फुल्ली वैक्सीनेटेड है इंशाल्लाह। और मेरे पास ऑलरेडी मोर देन 3 months हो गए इसको, मोर देन 3 months हो गए। बटन कान में है माशाल्लाह, बिल्कुल इतना ही कान है इसका माशाल्लाह। और सिंग इसका एक बार खींचे हुआ है बिल्कुल, यानी कि अच्छे मजबूत सिंग में सामने लेके होता है। इसके बाद में और अगर कोई लेके मेरे पास पलाई पे रखना चाह रहे तो बिल्कुल रख सकते हैं इंशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद में इन्हें 4 दांत फ्रेश, ये भी मदुरई है, यलगा ब्रीड बोलते हैं मदुरई में, वो ब्रीड का मेंढा है माशाल्लाह, बहुत अच्छे कलर में, गिलेली कलर बोलते हैं अपने पास इसको। और ऐसे बच्चे माशाल्लाह भी हो जाए, यानी ऐसे कलर पैचेस आने की। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये मदुरई है, ये मदुरई है, प्योर मदुरई है माशाल्लाह, बहुत अच्छे वेट में है, 40-45 केजीज का लाइव वेट रहेगा, अभी 45 प्लस ही रहेगा, मैं तो कम ही बोल रहा हूँ अभी। और ट्रिमिंग भी करी हुई है ना इसकी? और ट्रिमिंग करी हुई, वैक्सीनेटेड, फुल्ली वैक्सीनेटेड है, कोई ऐब नहीं है माशाल्लाह। हथियार देखिए, बिल्कुल साफ हथियार है मेंढे के। ये कब से है आपके पास? ये भी मेरे पास तकरीबन 4 महीने हो रहे, 3.5-4 महीने हो रहे। और क्या प्राइस है इसका? और मेरे पास जब आया था तो मैं समझता हूँ 15-16 किलो का था ये जी। इसका आस्किंग प्राइस 32 है, 32 स्लाइटली नेगोशिएट कर लूंगा इंशाल्लाह। और ये भी अगर पलाई पे रखना चाह रहे मेरे पास तो जगह है आपके पास से। अभी ये दूसरे कस्टमर्स के है, सेल होने के बाद फिर से आप ही के पास पलाई पे, आप ही के पास पलाई पे मेरे पास रख दे सकते हैं। इसके बाद और कौन से आपके पास? यहाँ पर बहुत शानदार एक लाइन है, ये वाला कौन सा बकरा है? ये भी मदुरई है, ये भी पूरा जेट ब्लैक, जेट ब्लैक मदुरई है। इससे पहले बताए थे अपन ब्लैक पैंथर बगीरा, इसके बाद में ये व्हाइट है जी, मदुरई है ये भी माशाल्लाह, पूरा खाके बैठे हुआ है बिल्कुल साफ। और ये स्पॉटलेस व्हाइट है, स्पॉटलेस व्हाइट है, अगर रहा भी तो फिक्का आंखी गने एक फिक्का धब्बा आपको दिख जाता। दिख रहा तो नहीं, वो और से देखे तो आपको दिखता लाइट। मैं भी देखना चाह रहा हूँ, दिख रहा तो नहीं है सर, जरा उसको पिछड़ो। थोड़ा लाइट ये मैला है, हल्का ब्राउन शेड है, खैर उसको कंसीडर कर लो तो स्पॉटलेस चलता में गिनती आ जाएंगी माशाल्लाह। बहुत अच्छी क्वालिटी में है, देखिए ये भी, ये भी 2 दांत कर लिया, अभी 4th लगा रहा। अच्छा, मेरे साथ जरा दांत बता दो, 2 दांत, 2 दांत पे ही अभी, 2 दांत पे ही अभी, 4 नहीं लगाया, 2 दांत पे है। और 43 केजीज का लाइव वेट है, वजन करे हुआ है माशाल्लाह, 43 केजीज लाइव वेट जी। और इसका 32,000 आस्किंग है, स्लाइटली नेगोशिएट हो जाएगा ओके। और बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छा जाएगा इन्हें, मेरे को बहुत अच्छी उम्मीद है इससे इंशाल्लाह। ये अंटल भी है? नहीं नहीं, ये तो पलाई पे है। और क्या है आपके पास में? ये सामने ये देसी बकरा है, एक 30 केजी लाइव वेट है। बकरे तो अलग ही वीडियो में बतला देंगे ना। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में तो बताएंगे। शीप्स में और कुछ है? शीप्स में लास्ट टाइम जो विलायती मेंढे बतलाए थे वो है चले गए, उसमें से माशाल्लाह 2 विलायतियां जो है बुक हो गए और पलाई पे अपने पास ही है। ठीक, ये देखिए माशाल्लाह खजाना, टॉप क्वालिटी के मदुरई, ये तो खत्म, मतलब मदुरई का जो हासिल है ना जी, एंड क्वालिटी है ये बिल्कुल। हाइट में भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, हाइट में भी 60 प्लस भी वजन आएगा इन लोगों का, ईच वन का। अगर कोई पेयर लेना चाह रहे तो मैं 70,000 में ये पेयर दूंगा, अगर कोई सिंगल लेना चाह रहे हैं तो, सिंगल लेना चाह रहे तो वही 35-35 में दूंगा। अच्छा, 35,000 ईच वन का प्राइस, ईच का वन का प्राइस। हथियार की क्वालिटी, हाइट, लेंथ, और इतने एक्टिव है, इनको आप हाथ भी लगा दिए ना इतना भागेंगे फिर पकड़े नहीं आएंगे। लगा मदुरई वैसे भी बहुत ज्यादा तेज होते, बहुत तेज होते, बहुत तेज होते, बहुत अग्रेसिव भी वैसे ही जी। उन लोगों को अगर फाइट सिखाए तो फाइट करते, नहीं तो तेज पना तो उसके अंदर रहता ही। गेट लगाते कुछ बतला रहे हैं इनकी, इसको सामने ले लो जरा, आप क्वालिटी देखिए इसकी माशाल्लाह। हथियार देखिए, पूरा एक हाथ का हथियार है इसका, बिल्कुल खुले, वो देखिए, वो तो मतलब की तरह, मैं इसी एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ। ये हथियार बतला रहे हैं, ये तो बहुत बड़े हैं, लेकिन ये जो शेप बना हुआ है बहुत खूबसूरत, जो नॉर्मली आप देखते माउंटेन रैम्स आते देखें, यानी पहाड़ी जो मेंढे होते उनकी तरह इनके सिंग बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत। 35,000 ईच वन है, इसमें नेगोशिएबल भी है, स्लाइट नेगोशिएट कर लेंगे, स्लाइटली नेगोशिएबल, और पलाई पे रखना चाह रहे तो पलाई पे भी रख लेंगे ओके। इसके बाद में नेक्स्ट में ये एक छोटा गब्बर है,
पूरा फुटबॉल है, फर क्वालिटी देखिए आप, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। चार दांत 80 केजी तुलेवा है। अच्छा माशाल्लाह, चार दांत 80 केजी तुलेवा है। 43,000 आस्किंग है मेरा, 43,000 आस्किंग है। और एक सिंग में धारी है ना, यानी ब्लैक एक लाइन है, बाकी पूरा व्हाइट है, पैरों एक पे ब्राउन पे धारी है सिंग में जी। और सॉक्स टाइप के थोड़े फीके हैं धब्बे, चार दांत पे भी है अभी, ये चार दांत पे है, छेटा लगाया भी नहीं अभी जी। माशाल्लाह 80 केजी कर लिया इन्हें, 80 केजी स्लाइड, और मेरे पास ऑलरेडी 6 महीने या 7 महीने से पल रहा और बहुत जाएगा इन्हें इंशाल्लाह, और इतना जबरदस्त, इन्हें 33 केजी पे आया था मेरे पास। अच्छा, तो यानी अभी आपके पास मैं समझता हूँ 50 केजी प्लस हो गया इसका इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 50 प्लस हो गया, 30 पे आया था, अभी 80 केजी यानी 50 और बहुत जाएगा इन्हें उमर भाई, इसका बहुत, इसके पैर देखिए आप, मोटे पाए का बकरा जिसको बोलते ना, मोटे पाए का मेंढा रहना, तो ज्यादा इसका मैं 43,000 डिमांड कर रहा हूँ, 43,000 आस्किंग है। हाँ, स्लाइटली नेगोशिएट कर लेंगे, पलाई पे कोई रखना चाह रहे तो इंशाल्लाह रख लेंगे। बहुत एग्रेसिव भी है, देखिए तेज भी बहुत ज्यादा है, अभी इतना गुस्सा बता रहा ना, इसको कुछ भी खिलाए आप तो फिर आपके पीछे पीछे फ्रेंड बन के भी बताएगा। अच्छा, यानी फ्रेंडली भी है साथ में जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वीडियो में ये तो सारे पलई के हैं, इस वीडियो में बस इतना ही, इतने भी शीप्स है, तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शीप्स बताए अपन जी। इंशाल्लाह जिस किसी को भी लेना है कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, इंशाल्लाह पर्सनल में भी वीडियोस चाहिए तो मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। ओके, एक बार एड्रेस फिर से बता दीजिए आपका। मामड़पल्ली रोड, उमर कॉलोनी, पाड़ी शरीफ जी। आप लोग और मैप पे भी लोकेशन है मेरा, मैप पे लोकेशन है लेक व्यू गोट फार्म के नाम से। सबसे सिंपल अगर लेक व्यू गोट फार्म सर्च कर लेंगे तो आपका लोकेशन मिल जाएगा, तब गूगल पे सर्च करिए आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। चलिए सर, आगे काफ़ी सारे मैं अपडेट्स बतलाऊंगा आप लोगों को, आज टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, काफ़ी सारे वीडियोस है, हो सकता आज के कुछ वीडियोस यानी पोस्टपोन भी होंगे कल के लिए, और कल जुमा भी है, तो शायद बुकिंग की टाइमिंग आज मैं समझता हूँ 10 मिनट में शायद फ़ोन बंद भी करना पड़ेगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, डिस्क्रिप्शन के नंबर पर कॉल करके बात कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।